कि रत्ना रॉय के साथ कुछ बन रही होगी। Who knows, तुम्हारी बहन को उन्होंने अपनी बहू माना भी है या नहीं? बस प्रीति, कोई इंसान कुछ बोल नहीं रहे उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जुबान नहीं है बोलने के लिए। और हाँ, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए, अदरवाइज मेरे सोनिया दी के खिलाफ कोई कुछ भी बोले मैं उसे नहीं छोड़ती। और एक बात तुम अच्छे से सुनो, रत्ना आंटी हम सबसे बहुत प्यार करती है और सोनिया जी से भी, और ये बात तुम्हें बहुत जल्द पता लगेगा। मैं तुम्हें बताऊंगी, ये मेरा वादा है। ये सब जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे दी से बात करनी होगी। ये लड़कियां भी ना नाश्ते के चक्कर में जल्दी जल्दी आ गई थी, पता नहीं किसी ने कमरा साफ किया भी है या नहीं। कमरा तो पूरा साफ है, वाह। खुशी नाश्ता ठीक से करती नहीं है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रही है। हाँ देख, बंकिंग अलाउड नहीं है, वरना फ्रूटी मेरी गुड गर्ल होगी। तू नहीं क्या दी? दी आप शर्मा रही हैं कि हमें डांट रही हैं? हाँ दीपू, वैसे जीजो ऐसी फिदा थोड़ी है आपके ऊपर। लेकिन दी टेक्निकली बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सुबह दीपू दी ने मुझसे पूरा रूम साफ करवाया, उसके बाद आप मुझे डांट रहे हो। तुम लोगों ने क्यों किया, मैं कर देती ना। दी अब हम बड़े हो गए हैं और बड़े लोग अपना काम खुद करते हैं। बड़े लोग अपना होमवर्क भी खुद करते हैं, वो तो दीपू जी ने मुझे रात को करवा दिया था। ओके दी, अगर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हो हमें टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए, कैन वी कंटिन्यू? क्योंकि दी आज हम आपको नहीं छोड़ने वाले। आप सब हमारी बहू को तंग क्यों कर रहे हो? अरे दादाजी आप कहाँ रह गए थे, पता है आपने कितना कुछ मिस किया। ऐसा क्या तो हो जाए रिपीट टेलीकास्ट? क्यों नहीं दादू, मैं आपको अभी बताती हूँ क्या। एक मिनट दादू, हम आपको करके दिखा देते हैं। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। डांट खाएगी नहीं दीपू। दी दादू, सोनिया देखो तुम हमारी बहू हो और दीपू हमारी स्पेशल रिपोर्टर है। दीपू तुम जो भी करके दिखाना चाहती हो वो दिखाओ, बिल्कुल डरो मत। सॉरी दी। अच्छा इधर आओ इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, रत्ना आंटी ने पता चल गया तो शुप 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 रही थी। कम ऑन रहती थी दादू के लिए। चलो 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 पीछे पीछे पीछे। ओके एवरीवन रेडी, पोजीशंस एंड एक्शन। आई लव यू। व्हाट बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी, वो खुशी मुझसे पूछ रही थी कि तीयमो का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है आई लव यू। राघव तुम हमारे साथ ऑफिस तो आ रहे हो ना? मामा चलिए मैं आता हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा काम याद आ गया था। चलिए अब और दादू आपको पता है ये सारी शरारत किसकी थी? किसकी? किसकी? राधा की। ओ। और टेक्निकली पता है जब दी ने उनसे आई लव यू कहा ना तो वो तो ऑफिस ही नहीं गए। अच्छा जी। तो ये बात है। मुझे किसी से बात करना है। अरे 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 सुन तो। अपने पति को छोड़ने के लिए कहना अच्छी बात नहीं होती सोनिया जी। अच्छा और अपनी पत्नी का सबके सामने मजाक बनाना ये अच्छी बात है क्या? आज आपकी वजह से मम्मी जी के सामने मुझे बहाना बनाना पड़ा। तो क्या लोग प्यार के लिए ताजमहल बना देते हैं, आपने तो एक छोटा सा बहाना बनाया। अच्छा छोड़ो। वैसे
आज आप बहाना बनाते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी और आज मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, अपना प्यार अपने पास रखो, मुझे काम है। राघव जी को देख लेगा, क्या कर रहे हैं आप? जिसे देखना है देख लेने दीजिए, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। सबको पता चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सुने जी, I love you। हां चाचा। कैसी है मेरी बिटिया रानी? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? आइए ना, अंदर आइए। आपको पता है मैं आज ही आपको याद कर रही थी और आज आप मेरे से मिलने भी आ गए। देखा, तुम्हें याद किया और हां चाचा आ गए। आइए बैठिए। क्या लेंगे आप? मैं कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। भाई वाह, जितनी तारीफ सुनी थी ना इस घर की, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये घर। बेटा, तेरे इस घर के सामने इस बाप का ये तोहफा तो बहुत मामूली सा है, लेकिन पहली बार बेटी के घर में खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। तुम सबके लिए मिठाई है इसमें। हां चाचा, एक बेटी के लिए उसके पिता का आशीर्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है, पर ये घर तो मुझे इसलिए प्यारा है क्योंकि यहां मेरा संसार बसता है। इसकी चमक धमक से मुझे क्या लेना देना? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं बेटा बैठ, मैं तो बस यहाँ ये देखने आया था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में कितना खुश है। तेरी आंखों की चमक को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तू यहाँ पर बहुत खुश है। हाँ खान चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, सच। पर वहाँ सारी सारी गली जैसे सूनी पड़ गई है। अरे वहां की सारी रौनक यहाँ जो चली आई है। मैं सबको बुला के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा बैठ, मैं सबसे बाद में मिल लूंगा आराम से, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। बात ये है कि तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हारी दुकान बंद पड़ी हुई है और तुम्हारी दुकान के जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो नाटकों वगैरह के लिए महाभारत और रामलीला की ड्रेसेस तुमसे लेते हैं बेटा, वो अक्सर आते हैं वहां पर ड्रेसेस लेने के लिए। बेटा तुम ही इतने सालों से उनको ये सब ड्रेसेस वगैरह सप्लाई करती रही है और उनका भी तुम पर पूरा भरोसा है। तो बेटा मैंने सोचा कि मैं ये तुमसे पूछ लूं कि दुकान का क्या करना है, मतलब। खान चाचा, खबर तो ये बहुत अच्छी है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मम्मी जी से इस बारे में कैसे बात करूं। राघव जी ने जिक्र किया था उनसे, पर वो ये कह रही हैं कि अभी
शादी नई नई है और मुझे इस तरह से इतनी जल्दी काम शुरू नहीं करना चाहिए। भाई बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। हाँ वैसे भी मम्मी जी ने मुझे और मेरी बहनों को अपने इस घर में अपने दिल में इतनी जगह दी है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिस वजह से मम्मी जी को तकलीफ पहुंचे। जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। लो जी चटकारे वाली खबर तो खुद चलकर घर पर आ गई। न जाने क्यों मुझे भाभी की इतनी याद क्यों आ रही है। These are brilliant. बहुत अच्छी लगी अब ये designs. Thank you, ma'am. कि samples आज ही बनवा दो. Sure. Yeah. Sure. You know you've done a super job. अरे हाँ, तुम्हारी मेहता group of industries के साथ meeting थी. What happened? How did it go? Oh हाँ. In fact, मैं भी आपसे उसके बारे में बात ही करने वाला था. उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई तो बात नहीं. Unfortunately, Mr. Mehta उस दिन meeting में नहीं है. Oh. I'm so sorry. Actually, दुबई से कॉल है, एक टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज मैम। एक्चुअली ये बात अभी चल रही है, वी हैवंट टाइड अप, तो इन फैक्ट जैसे ही ये टाई अप हो जाए वी'ल हैव टू टॉक अबाउट दिस। श्योर मैम, मैं सैंपल्स रेडी करवाता हूँ। थैंक यू। बोलो। गेस व्हाट भाभी, मैं आपको है ना एक मजेदार और चटपटी खबर सुनाने वाली हूँ, सुनिए। वेरी गुड सुहासी, हम बेकार में तुम्हें निकम्मा समझ रहे थे, तुम्हें तो रोज हमारे काम आ रही हो। कीप इट अप, ऐसे ही काम करते रहे। बाय भाभी। सच कहते हैं लोग, किसी चीज को दिल से चाहो ना तो पूरी की पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। अभी हम सोच ही रहे थे कैसे अपने बेटे को इस मुसीबत से निकाले। अब देखो भगवान ने खुद हमारे सामने रास्ता दिखा दिया है, बस एक बार एक बार सोनिया हमारे काबू में आ जाए तो उसकी बहनों को तो हम यूं अपने काबू में कर लेंगे। कम ऑन रत्ना रॉय है हम, कोई मजाक की बात थोड़ी है। पांच पांच मल्टीनेशनल कंपनी संभालते हैं, पांच लड़कियों को नहीं संभाल सकते, कॉस्ट संभाल सकते हैं। कम ऑन गर्ल्स, शो यू हो रहा है। जी खान चाचा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मम्मी जी से इतनी जल्दी क्या बात करूं। खान चाचा! अरे मेरे बच्चे लोग, कैसे हो मेरे बच्चों? और दीदी आप अकेले अकेले खान चाचा से बात कर रहे हो, हमें बताया भी नहीं। अरे नमस्ते रहीम। नमस्ते नमस्ते रहीम, कैसे हो? इतने दिनों बाद, सब खैरियत तो है ना? सब अल्लाह का करम। अच्छा लगा तुम देख। अरे बैठो 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 बस। अरे राघव बेटा कैसे है खान चाचा? जीते रहो जीते रहो, बैठिए। हाँ तो भाई तुम्हारी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, अब आगे क्या करने का इरादा है? इरादा और वादा तो पुनिया जी से जुड़ गया, और आपकी बेटी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है, रेस्टोरेंट खोलने का। अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया, बस उसी पर काम करो, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में? भाई आप ये नया पार्टनर कौन सा ढूंढ लिया, हमें बताया भी नहीं। दादू सरप्राइज। वैसे अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। अच्छा यहाँ रख दो,
नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। बुआ जी, आप क्यों ले आई ये सब? मैं ले आती। तो क्या हुआ, तुम्हारे मायके से आए हैं ना तुम्हारे मेहमान, इस घर के मेहमान। और पता है हमारे दुबई में मेहमान को भगवान माना जाता है। भारत में भी मेहमान को भगवान माना जाता है सुहासी। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, देखो तुम यहाँ बातें कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही लेकर जाती हूँ। ये लो आ गई मिस हूर की परी। क्या बात है, अपने पंख नहीं फड़फड़ा रही? जरूर वहां पार्टी में किसी ने इसके पंख काट दिए हैं। खान चाचा, नमस्ते। बेटा कैसी हो? बेटा ठीक हूँ। खान चाचा के सामने दीसी कैसे बात करूं? कम इन। Excuse me, sir. कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। सर, आज मेरे ऑफिस में पहला दिन है, आज ही ज्वाइन किया है मैंने। हाँ, तो मैंने सोचा आके हेलो बोल लूं। अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। एक्चुअली सर, बात यह है कि मैंने सुना है इस ऑफिस में सबसे हैंडसम आप ही हैं, इसलिए सोच रही थी आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं। मुझसे दोस्ती करोगे? दीपिका, हाय। अभिमान हद होती है, कोई अपने लैपटॉप में इतना खो सकता है कि सामने किसी लड़की तक को ना देखे। वैसे दीपिका, तुम किसी लड़की में नहीं आ रही। हाँ, पर लड़की तो हुई ना। हाँ, मतलब हाँ, वो तो है। वैसे तुम यहाँ कैसे? यहाँ अपने ऑफिस में आई हूँ मैं। अपना ऑफिस मतलब? मतलब मैंने आज से यहाँ पे एज ए डिजाइनर ज्वाइन किया। ओह, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे इसका मतलब ये भी है कि आज से मैं तुम पे नजर रख सकती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि एक डिजाइनर का काम मुझ पर नजर रखना भी होता है। खैर, अच्छा है, इसी बहाने से हर रोज हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। अभिमान, वेलकम दीपिका। थैंक यू। अरे हम तुम्हें बताना ही भूल गए कि आज से दीपिका हमारे साथ काम करने वाली। जी मैम, मैं इन्हें सब समझा दूंगा। या। ओह, कम इन मिस्टर नेगी। दीपिका, ये मिस्टर नेगी पिछले 15 सालों से हमारी कंपनी के हेड डिजाइनर। हेलो। और साथ ही साथ हमारी कंपनी के मोस्ट लॉयल, ट्रस्टेड और कमिटेड एम्प्लॉय रहे हैं। आज से तुम इनके अंडर काम करो। जी। वेलकम अबोर्ड। आई एम श्योर तुम पूरी मेहनत से काम करोगी इधर। थैंक यू। हाँ अभिमान, ये कुछ डिजाइन हैं, मिस्टर नेगी ने अभी अभी इन्हें अप्रूव किया है, सोच रहे थे तुम्हारी राय ले लें। श्योर मैम, मैं एक बार डिजाइन देख लेता हूँ और फिर बाद में आके आपसे मिलता हूँ। If you could just hurry up a little bit. Sure. Okay then, चलिए मिस्टर नेगी। Bye. Bye. तो चलो। कहाँ? तुम्हें तुम्हारा डेस्क दिखाता हूँ। Okay, अभिमान सर।
दीपिका। चलो कम। ये तुम्हारा डेस्क है। वैसे तुमने ऑलरेडी ये पूरा ऑफिस तो देखा ही हुआ है, पर मैं ये ऑफिस तुम्हारी नजरों से देखना चाहती हूँ। प्लीज। और ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम, जहां पे बहुत से लोगों की किस्मत बनती और बिगड़ती है। अब कुछ बिगड़ नहीं सकता, तुम जो साथ हो। मेरा मतलब है कि ऑफिस में साथ हो हेल्प करने के लिए तो। अभिमान, वहां कुछ गिरा हुआ है ना? क्या? देखो ना टेबल के नीचे। मैं देखती हूँ एक मिनट। क्या है? पता नहीं, कुछ एनवेलप है। अभिमान तुम ही देखो, कुछ